चने की दाल के पापड़ बनाने के लिए मैंने चने की दाल को रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। ये वाले पापड़ बनाने के लिए आपके चने की दाल को काफी अच्छे से भिगाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इतना इसको भिगाएं कि आपके चने की दाल का एक एक दाना अच्छे से भीग जाए, इतना आपको भिगाना इसको बहुत जरूरी है। इसके बाद में हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया है और एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में हम इसको ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं। जितने पानी की आपको जरूरत लगे ना, सिर्फ उतना ही पानी डालना है, बिल्कुल भी ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, तो फिर अच्छे से दाल पीस नहीं पाएगी, एकदम स्मूथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसको एकदम बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे और बाद में हमें जितने पानी की जरूरत पड़ेगी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमने इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। पूरी दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है और लगभग आधा कप मेरा पानी यूज हुआ था इसको पीसने में। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए, जितने पानी की आपको जरूरत लगेगी उतना ही आप अच्छे से आपकी दाल पीस पाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको छू कर दिखा देती हूँ कि आपकी दाल जो है वो कितनी स्मूथ है। तो इसलिए आपको जो चने की दाल है उसको अच्छे से भिगाना जरूरी है। अगर चने की दाल अच्छे से भीगी नहीं होगी तो उसमें दाना टाइट बनेगा, आपकी दाल जो है वो एकदम टाइट बनेगी, सॉफ्ट और स्मूथ नहीं हो पाएगी। पूरी दाल हमने अच्छे से पीस ली है। अब उसी कप से, जिस कप से हमने दाल को नापा था उसी कप से नापकर एक कप पानी इसमें हम अब और ऐड कर रहे हैं। जो आपने पीसा डाय मिला था वो तो अलग है पानी, इसलिए आपको जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अब हम इसमें बिल्कुल अच्छे से क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो एक कप पानी पहले डाल करके दाल को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल जिससे इसमें गठाने नहीं रहेंगी। और फिर उसी कप से नाप करके हमने एक कप पानी और ऐड कर दिया है और फिर एक कप पानी और ऐड कर दिया है, यानी कि टोटल हमने 3 कप पानी इस पूरी दाल में ऐड करना है। पीसने के लिए हमने आधा कप पानी का बाद में इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इस पूरी दाल को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें गठाने नहीं हो, जिससे कई बार पीसे टाइम इसमें चने की दाल का थोड़ा टुकड़ा रह जाता है तो उससे पापड़ हमारे फट सकते हैं, अच्छे भी नहीं लगेंगे और फट जाएंगे। तो इसलिए हम उसको छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी बर्तन में आपको पकाना है इसको, उसी बर्तन में आप डायरेक्ट इसको स्ट्रेन कर लें। तो यहाँ पर हमने पूरी दाल को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पर हमने भी गैस को बंद रखा है, ऑन नहीं किया है। यहाँ पर हमें पहले एक और काम करना है। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने लगभग 3 बड़े चम्मच इतना मैदा लेनी है और मैदा को हमें पानी में घोलना है। लगभग आधा कप पानी हमने इस्तेमाल किया है और 3 बड़े चम्मच मैदा को हमने इसमें घोल करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और गैस को ऑन करके फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर लगातार हमें इसको चलाना होगा। बीच बीच में हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए येलो फूड कलर का यूज किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी जगह पर आप हल्दी पाउडर का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि चने की दाल के पापड़ में हम सोडा का भी यूज करेंगे तो जब हल्दी के साथ में सोडा रिएक्ट करेगा ना तो हमारे पापड़ को लाल कर देगा। इस वजह से हमें हल्दी पाउडर का यूज नहीं करना है। अगर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप फूड कलर हो तो आप वो डाल लीजिएगा। फ्लेम को आपको लो ही रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम हम इसमें रखेंगे तो नीचे से क्या है, ये दाल जो है वो पकने लग जाएगी, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा। फिर वो अच्छे से, जब पेस्ट पकेगा नहीं ना तो पापड़ आपके बाद में फट जाएंगे सूखने के बाद। इसलिए आपको दाल को अच्छे से पकाना जरूरी है। अब यहाँ पर जो हमारी दाल है, लगभग 2-3 मिनट हमें हो गई है पकाते हुए। उस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अभी जितना ये लग रहा है ना उससे बहुत कम हो जाता है, और जब पापड़ सूखते हैं तो बहुत थोड़े से हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा इसमें हींग का पाउडर। हींग का पाउडर बहुत टेस्टी लगता है, एकदम जो लिज्जत पापड़ आते हैं ना, लिज्जत स्वाद वाले, वही वाले पापड़ हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पापड़ आपका भी बनेगा, एकदम टेस्टी सा बनेगा, मसाला पापड़ हम लोग बनाएंगे। लगातार चलाते हुए इसको हमें पकाना है। साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें साबुत जीरा, जिससे कि, क्योंकि यहाँ पर हमने जीरा को भिगा कर यूज नहीं किया है, डायरेक्ट यूज किया है, जीरा बीच इसमें अच्छे से पक जाएगा। इसी के साथ में हमने रेड चिली फ्लेक्स का यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि जो मसाला पापड़ होता है ना, लिज्जत पापड़, उसपे ऊपर ऊपर कितना सारा मसाला नजर आता है ना, तो बस वैसे ही मसाला हम भी इसमें डाल रहे हैं ताकि टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आए। और कुछ हमने कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। बस सारे मसाले हम इसमें मिक्स कर लेंगे, जितने भी आपको क्वांटिटी चाहिए अपने मसालों की उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। और इसको लगातार चलाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, लगभग 15 मिनट आपको लग जाएगी इसको पकाने में, बाकी डिपेंड करता है क्वांटिटी आपकी कितनी है दाल की। अब यहाँ पर जो हमने मैदा का घोल बनाकर तैयार किया था उसको एक बार फिर से घोल करके और पापड़ के मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही हम मैदा का मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं, ये जल्दी जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें इसको लगभग 15 मिनट तक पकाने के बाद में ही ऐड करना है, क्योंकि दाल अगर कच्ची रह जाएगी ना तो आपके पापड़ फिर फट जाएंगे बाद में बनने के बाद में, तो चीज का भी नुकसान हो जाएगा और हमारी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। इस वजह से आपको दाल अच्छे से पकाना है और दाल को काफी अच्छे से हमें गाढ़ा कर लेना है और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे।
तो ये देखिए लगभग 20 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये पकने के बाद में देखिए इस तरीके का गाढ़ा ये एकदम हो गया है। आपको दिखने में पता चल रहा होगा कितना गाढ़ा है, देखिए इस तरीके का गाढ़ा ये हो गया है। गैस की फ्लेम को आप बंद कर देंगे और इसको हमें लगातार चलाते हुए ही ठंडा करना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो इसके ऊपर एक पापड़ी जैसी पड़ जाएगी, जैसे मलाई हो जाती है ना ऐसा हो जाएगा, फिर जैसे हमारे पापड़ भी फट जाएंगे और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। बीच बीच में जब हम पापड़ बनाएंगे तो वो बीच में आएगा और पापड़ का स्वाद बढ़िया से नहीं आ पाएगा, पापड़ फटने का भी डर रहता है। तो बस इसको लगातार चलाते रहिए आप, और चलाते हुए हमें इसको ठंडा करना है, बिल्कुल जैसे कि हम कुल्फी वगैरह बनाते हैं तो ठंडा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना बहुत जरूरी है। दाल का मिक्सचर ठंडा होने के बाद में हमने एक पॉलिथीन शीट ली है, हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें पापड़ का घोल लेना है और उसको फैला देना है। तो जो लिचट पापड़ होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो हम भी थोड़ा सा बड़ा साइज का बना रहे हैं। ये बनाने में इसका तरीका बहुत ईजी है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं ना लिचट पापड़, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आएगा, और बनने के बाद में सूखने के बाद में भी बिल्कुल वैसे ही लगने लग जाते हैं ये। और इनको पूरा बनाने के बाद में हम इनको सुखाएंगे, जब ये एक तरफ से पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम उसको पलटेंगे, जिससे कि क्या होता है हमारा पापड़ जो है काफी हद तक सीधा बनता है, बहुत ज्यादा टर्न नहीं होगा, यानी बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये पापड़ को हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पापड़ अच्छे से सूख गया है, हमने इसको अच्छे से पंखे के नीचे सुखाया था, आप चाहे तो उसको धूप में भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए मैं एक पापड़ आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि ये देखिए परफेक्ट लग रहा है, जैसा हम मार्केट से लेकर आते हैं ना बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, टेस्ट भी इसका वैसा ही आता है। टेक्स्चर थोड़ा सा चेंज होगा इसका क्योंकि हमने मैदा का भी इसमें यूज किया है, क्योंकि हमने पापड़ का आटा ना तो गूंदा था ना इसको बेला था, तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए हमें इसमें मैदा की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैदा ना हो तो आप अरारोट का यूज कर लीजिएगा, लेकिन डालना जरूरी है तभी ये दाल के पापड़ बनेंगे, अदरवाइज ये फट जाएंगे। तो बस गरम तेल में हम इसको डालेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको इस तरीके से पकाएंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पापड़ बना है। हाँ, आपको टेक्सचर इसका थोड़ा सा चेंज लगेगा, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि हमने मैदा का भी इसमें इस्तेमाल किया है ना, इस वजह से इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा। जो हमने मसाले डाले उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है इस पापड़ के साथ में। तो बस सारे ही पापड़ हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, जो आपका तेल है वो काफी अच्छा गर्म होना चाहिए और लो फ्लेम पर हम इसको फिर पकाएंगे। और ये देखिए हमारा ये पापड़ भी काफी अच्छे से फूल गया है क्योंकि हमने सोडा का भी इस्तेमाल किया था ना। और ये देखिए हमारे दोनों ही पापड़ हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं दिखने में भी, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है, इतना ज्यादा ये टेस्टी लगता है पापड़। ये देखिए और ये पापड़ तो हमारा बोट जैसा ही बन गया है ना। तो ये वाले पापड़ आप ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही सिंपल सी है। इसी तरीके से मैं आपको मूंग की दाल के, उड़द की दाल के अलग अलग तरीके के पापड़ सिखाऊंगी, पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पापड़ सिखाए हैं। तो आज तक की आपको सारा सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी पापड़ की वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी क्रंची सा लग रहा है हमारा पापड़, कितना टेस्टी लग रहा है, और इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगेगी आपको, जैसे अब आटा वाटा गूंदते हैं हम लोग उसको बेलते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, वो वाली मेहनत भी आपकी बिल्कुल उसमें से बच जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। हाय फ्रेंड्स, सो आज हम लोग मूंग की दाल का पापड़ बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए हमने एक कप जितना मूंग की दाल को रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको चने की दाल के पापड़ में बताया था, दाल का अच्छे से भीगना बहुत जरूरी है। तो आप इसको रात में भिगाने के लिए छोड़ दें, ऐसा ना सोचे कि दो तीन घंटे भिगो दें, जितना अच्छे से आपकी दाल भीगेगी ना उतने ही अच्छे आपके पापड़ बनकर के तैयार होते हैं, इसलिए दाल को अच्छे से भिगाना बहुत जरूरी है। तब इसका हम पूरा पानी पहले निकाल देते हैं, अच्छे से धो लेंगे, और उसके बाद में एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में इसको ऐड करके जितना हो सके उतने ही पानी का यूज करें, यानी कि जितनी की जरूरत पड़े उतना ही पानी आप यूज करें, और इसको एकदम बारीक सा फाइन पेस्ट बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूसी करें, अच्छे से पानी आप यूज करें लेकिन फाइन पेस्ट बनाना है, और बहुत ज्यादा पानी का आप इस्तेमाल ना करें। जो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, बोल में हम एक स्ट्रेनर लगा लेंगे, और जो दाल हमने पीसी है ना ये देखिए मैंने इस तरह पानी का यूज करके और इस तरीके की दाल का पेस्ट बनाया है, एकदम स्मूथ पेस्ट है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है। लेकिन इस एक बार इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ना, तो अगर कोई दाल का दाना रह गया होगा तो वो निकल जाएगा, अगर बीच में रह गया तो फिर हमारा पापड़ जो है वो टूट जाएगा, फटने का डर रहेगा, इस वजह से इसको स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और दाल को पीसते टाइम लगभग मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो पहले पूरी दाल को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, और अब जिस कप से मैंने मूंग की दाल को नापा था ना उसी कप से मैंने आधा कप यहाँ पर लिया था चावल, और जब मैंने दाल को भिगाया था उसी वक्त मैंने चावल को भी भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो अब सेम उसी तरीके से हम पानी इसका निकाल देंगे और मिक्सी में डाल करके इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, जितना जरूरत हो उतना ही पानी का आप इस्तेमाल करें इसमें भी। तो यहाँ देखिए हमने पूरी दाल और चावल दोनों को पीस लिया है, और दोनों को ही हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए इन दोनों का ही।
तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजों का हमने पेस्ट बना लिया है, लेकिन ये जो बैटर है अभी गाढ़ा है, पानी का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देते हैं दोनों ही चीजों को, और इसमें हमें जो मसाले मिलाने हैं वो हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। दाल के पापड़ में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। साथ ही में कुछ डाल दिए हमने रेड चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का यूज भी कर सकते हैं, या फिर दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की मैंने कर ली है, वो मैंने इसमें आधा कप जितना पानी मिलाया था, तो वो वाली जो क्लिप है वो निकल गई है, रह गई है, तो इसलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से दिखा देती हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी वो पोरिंग कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर देखिए कोट कर रहा है ये, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा कोट नहीं कर रहा है, देखिए पानी की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा जिसको बोलते हैं वो वाली कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। पीसते टाइम मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी का इस्तेमाल किया था, दाल और चावल दोनों को पीसने के लिए 1/4 कप पानी, और उसके बाद में 1/2 कप पानी का मैंने और इस्तेमाल किया, और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी, इससे ना तो ज्यादा गाढ़ा और ना ही इससे ज्यादा पतला आपको घोल रखना है। अब यहाँ देखिए इस तरीके की मैंने एक प्लेट ले ली है, मैंने ऐसी प्लेट इसलिए ली है क्योंकि ऐसी प्लेट्स अधिकतर सभी के घर में होती है। अगर इस तरह की प्लेट आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई प्लास्टिक का ढक्कन हो वो आप ले सकते हैं बड़े साइज का। यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटर पोर करेंगे, और पोर करने से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। बस इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे, और यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया। इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप गैस का बर्नर ले लें, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक प्लेट लगा देंगे। प्लेट को अच्छे से सेट कर दे, कहीं से भी ऊंचा नीचा ना हो, नहीं तो पापड़ फिर हमारा उसी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम इसको एक थाली से ढक देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, हमें इसको लगभग 3 से 4 सेकंड के लिए स्टीम करना है, या फिर आप देख ले कि ऊपर से पापड़ अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए लगभग 4 सेकंड हो गए हैं, इसको हमने निकाल दिया है, और इसको हम ऊपर से हल्का सा छूकर देखते हैं तो एकदम ड्राई सा लग रहा है, तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है, इससे ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। फ्लेम को लोअर करेंगे और इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे, और जितनी देर में हमारी ये स्टीम होती है उतनी देर में हम दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेंगे, सेम उसी तरीके से ऑयल लगाकर और बैटर को फैला करके। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हम स्टीम करेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस पापड़ को निकालने से पहले पूरी तरीके से ठंडा करना जरूरी है। तो लगभग 1/2 सेकंड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो पहले नाइफ से इसकी साइड्स को पहले रिलीज कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको स्क्रैप करके पूरा निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ले, और इसमें अच्छे से इसको धीरे धीरे निकाले, एकदम ठंडा करके निकाले। अगर गर्म होगा ना तो उसका निकालते टाइम इसका चिपक जाएगा, और उसके बाद में फिर ये फट जाएगा और टूटने का डर रहेगा, तो उसको ठंडा करके फिर निकाले। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा पापड़ निकल गया है। अगर आप लोग पापड़ बनाने के बाद आपका इस तरह से पापड़ चिपक रहा है तो उसको पहले नाइफ से अच्छे से क्लीन कर लें, और उसके बाद ऑयल लगाएं, और फिर से इसके ऊपर बैटर फैला करके स्टीम करें। एक चीज और बता देती हूँ, अगर आप लोग प्लास्टिक के ढक्कन में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से फिर वो निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता उसमें नहीं है। स्टील की प्लेट होती है तो थोड़ी सी चिपक जाती है, कभी कभी चिपकने का डर रहता है, लेकिन अगर प्लास्टिक के ढक्कन में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन प्लास्टिक कभी कभी इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, स्टील की प्लेट में ही बना दिया। तो बस इसको ठंडा करेंगे और फिर निकाल करके रख लेंगे। तो सारे पापड़ हम इस तरह से बना करके सुखा लेंगे, और यहाँ पर हमने अपने सारे पापड़ सुखा लिए हैं। आप धूप में या पंखे की हवा में कैसे भी इसको सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पापड़ थोड़ा ग्रीन सा है, तो ये थोड़ा फूड कलर लग गया है, मैं उस टाइम फूड कलर का भी काम कर रही थी तो इसलिए ये फूड कलर इसमें लग गया है। तो पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं पापड़, मैंने इनको पंखे की हवा में ही सुखाया है। अब हम इसको फ्राई करके भी देख लेते हैं। तो ये जो पापड़ होते हैं बहुत ज्यादा नहीं फूलते हैं, लेकिन हाँ अच्छा, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मसालेदार पापड़ होते हैं और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बस मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, और ये देखिए बहुत ही मिनटों में ये फ्राई हो जाता है, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सबसे बड़ी बात, आप इस पापड़ को रोस्ट करके भी खा सकते हैं, रोस्ट करके भी ये पापड़ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्राई करके खाएंगे, अगर रोस्ट करके खाएंगे ना तो और भी ज्यादा मसालेदार लगता है ये। तो दोनों ही चीजें, अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इस तरीके से रोस्ट करके भी इसको खा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप फ्राई करके खाएं। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों तरह के ही पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं, फ्राई करके भी और रोस्ट करके भी। तो मैं एक बार आपको पापड़ तोड़कर दिखा देती हूँ। ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी होता है, और मतलब ऐसा होता है कि खाने में इसको मजा आ जाता है, एकदम मसालेदार, बहुत ही टेस्ट लगता है देखने में, आपको लग रहा होगा कितना मसालेदार ये बना है। और ये देखिए जो पापड़ हमने रोस्ट किया था ना, ये वो है, बिल्कुल लगभग एक जैसा साइज इसका होता है, क्योंकि फ्राई करने पर भी बहुत ज्यादा ये नहीं फूलता है, और खाने में दोनों का ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको आज का ये तरीका कैसा लगा पापड़ बनाने का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही में मेरे नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर दें आने वाले वीडियोस के लिए। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।